लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज और अपडेट्स पाने के लिए क्रिकेट फॉर एशिया को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं माय चैनल क्रिकेट फॉर एशिया। दोस्तों आज बात करेंगे अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान और मोहम्मद नबी के बारे में। तो दोस्तों बहुत से फैन पूछ रहे हैं मोहम्मद नबी और राशिद खान गुलबुदीन नायब के कैप्टेंसी से खुश नहीं है, यानी उसके कैप्टेंसी से खौफजदा है और इसकी वजह से वो अपनी टीम में अच्छी परफॉर्मेंस पेश नहीं करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी बता दूंगा। दोस्तों अगर आप अफगानिस्तान क्रिकेट के असली फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो दोस्तों अगर बात करें मोहम्मद नबी और राशिद खान के बारे में, दोस्तों ये अफगानिस्तान के एक की प्लेयर है और जो हर बार अफगानिस्तान टीम के लिए अच्छी परफॉर्मेंस पेश करते हैं। दोस्तों अगर रिसेंट टाइम पर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डिसीजन देखा जाए, जिस तरह गुलबुदीन नायब को वर्ल्ड कप से पहले कैप्टेंसी बना दी, यानी असगर अफगान जो अफगानिस्तान के लिए 4 साल से कैप्टेंसी करते आ रहे थे और अफगानिस्तान ने बहुत ज़्यादा मैचेस असगर अफगान के कैप्टेंसी में जीते थे, बहुत बड़ा डिसीजन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिया था, यानी वर्ल्ड कप से पहले असगर अफगान को कैप्टेंसी से हटा लिया, जिसकी वजह से बहुत लोगों को बहुत शॉक कर दिया, बहुत फैंस का रिएक्शन आए। और इसी तरह अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान और मोहम्मद नबी भी खामोश नहीं रहे, वो यानी वो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट हो गए, उसके लिए ट्वीट्स किए, यानी उसकी डिसीजन पर खौफजदा हुए। इसी तरह दोस्तों अगर अफगानिस्तान और आयरलैंड के दरमियान जो पहला ओडीआई मैच खेला गया, उसमें राशिद खान ने 2 खिलाड़ी को आउट कर दिया और मोहम्मद नबी ने 1 खिलाड़ी को भी आउट नहीं कर दिया, जिस पर बहुत फैंस पूछ रहे कि वाकई ये जानबूझ के अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, मोहम्मद नबी और राशिद खान ऐसे सोच भी नहीं सकते कि वो जानबूझ के अच्छी परफॉर्मेंस ना दे, वो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेल रहे और वो अपने कंट्री से बहुत मोहब्बत करते हैं। दोस्तों उसने इस तरफ बिल्कुल कुछ नहीं कि ये कोई प्लेयर कभी फॉर्म में होता है कभी फॉर्म में नहीं होता है, इसकी वजह से शायद इस दोनों ने परफॉर्मेंस पेश नहीं की। लेकिन दोस्तों अगर ये ऐसा करें फिर इस पर बहुत बड़ा एक्शन ICC लेंगे, इसलिए दोस्तों ये सोचते भी नहीं है कि हम अपनी टीम के लिए ख़राब परफॉर्मेंस पेश करें। ये दोनों अफगानिस्तान के एक बहुत बड़े स्टार है, हर बार अच्छी परफॉर्मेंस पेश करते हैं। अगर इसकी रीसेंट टाइम पर परफॉर्मेंस देखा जाए तो बेहतरीन परफॉर्मेंस इन दोनों ने पेश किए हैं और लगातार ये अच्छी परफॉर्मेंस पेश करती रहेगी। खुदा हाफिज़।